बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ फौजिया वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहा ट्रेंड्स। गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बड़ा ही सिंपल सा और बड़ी ही एलिगेंट सी नेकलाइन, जो कि मैं पर्ल्स के साथ बना रही हूँ और बहुत ही प्यारी लगती है और आसानी से बन भी जाती है, खूबसूरत लगती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने नेकलाइन कटिंग कर ली है। आप इसका जो गला है वो अपनी मर्ज़ी से आप जितना भी ब्रॉड रखना चाहें रख लें। मैंने थोड़ा सा ब्रॉड रखा है और उसको मैंने थोड़ा सा 6.5 इंच का नेकलाइन है, जो कि मैंने थोड़ा सा उसकी गुलाई जो है वो कम रख के उसके नीचे मैंने एक छोटी सी ट्रायंगल बना दी है। अब ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये मेरे पास पट्टियां हैं जो मैंने तकरीबन 1.25 इंच की पट्टी है जो मैंने कटिंग कर ली हैं और इनकी मैं स्ट्रिप्स बनाऊँगी। अब एक पट्टी को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके तकरीबन 1/2 इंच की जो स्ट्रिप है वो मैंने बना ली है और दोनों तरफ से मैं इसको सिलाई कर लूँगी, ताकि स्टिचिंग की जो सिलाई है वो धागे का जो सिलाई होती है वो अच्छी खूबसूरत लगती है बनी हुई। तो इस तरह से मैं दोनों की तरफ सिलाई लगा लूँगी। अब मैंने नेकलाइन जो है वो इस तरह से खोल के मैंने इस तरह से शर्ट को मैंने फोल्ड करके रख लिया और उसके ऊपर नेकलाइन इस तरह से मैं उसको खोल के मैंने इसको सेंटर में कर लिया है। और अब आपको जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपने सिलाई का मार्जिन रखना है, आपने उतना इस पे निशान लगा लेना है और इसको कटिंग कर लेना है। अब मैंने एक साइड से कटिंग कर ली है क्योंकि मेरा फैब्रिक जो है वो इक्वल है। आप इसको खोल के भी इसकी कटिंग कर सकते हैं और मैं इस तरह से इसको फोल्ड करके ही इसकी कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से हमारे पास एक मार्जिन लाइन आ जाएगी जो कि हमारी सिलाई की है और हमें पता होगा कि हमने यहाँ पे इसको इतना सिलाई में देना है। अब ये इसके ऊपर देखें, मैं इस तरह से आप फोल्ड करके निशान लगा सकते हैं। दो तरीके हैं इस पे निशान लगाने के। एक तो मैंने इस तरह से इस पे निशान लगा लिया। अब ये टिकन के साथ साथ मैं इसको निशान लगा लूँगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से इसको फोल्ड करें, इसके ऊपर से इस तरह से आप चौक थोड़ा सा लगाएं, तो आपका जो है वो एक्यूरेट जो लाइन है उसकी टिकन की वो आपको मिल जाएगी और आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि आप यहाँ पे रख के आप अपनी जो आपने लूप्स बनानी है वो आप लगा लेंगे। ये देखें कितनी सफाई से पूरी एक लाइन मेरी जो है वो ड्रॉ हो गई है। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं और ये मेरी सेंटर लाइन है, यहाँ पे रख के मैंने इसको कट लगाना है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैंने लूप्स इसकी अपने जो मेरे बीड्स हैं मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है वो कटिंग कर ली है। अब ये देखें, ये तकरीबन 1/2 इंच ये है, 1/2 इंच आप और लगाने, तकरीबन 1/4 इंच कीजिए मैं कटिंग कर रही हूँ, सॉरी 2 इंच की है, 1.25 इंच की ये कटिंग है। ठीक है, ये 1.25 इंच की कटिंग है और इसमें आपकी 1/2 इंच बाहर आ जाएगी और तकरीबन 1/2 इंच अंदर चली जाएगी। तो वो 1 इंच अंदर चली जाएगी तो 1 इंच ही बाहर रह जाएगी, मतलब कि 1/2 इंच ही वो फोल्ड होके बाहर रह जाएगी। इसी तरह से मैं सारी इस तरह की स्ट्रिप्स जो हैं वो कटिंग कर लूँगी। इसी तरह मैं सारी पट्टियों को जो मैंने स्ट्रिप्स काटी हैं मैं उनको सबको इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। और अब मैंने सीधी तरफ रख के फैब्रिक के और जो मैंने निशान लगाया था चौक का उसकी सीधी तरफ, उस पे मैं लूप्स रख के लगाऊँगी थोड़े थोड़े से फासले पे, जितना कि मेरा पर्ल का फासला है बनता है, जितना मेरा पर्ल जो है बड़ा है उसके हिसाब से मैं लगा रही हूँ। और आप ये देख लीजिएगा कि सेंटर से आप लगाना शुरू कीजिएगा और उसको एंड तक ले जाएं। जो लूप्स का बंद हिस्सा है वो आपने अंदर की तरफ रखना है और जो सिलाई वाला हिस्सा है वो आपने बाहर की तरफ रखना है, तो आपकी लूप्स जो है वो एक्यूरेट बाहर की तरफ आ जाएंगी। अब ये देखिए, मैंने लूप्स इस तरह से लगाई हैं
बाहर की तरफ। अब मैं नेकलाइन को सिलाई लगा के इसके किनारे जो हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। आप पहले कर लीजिएगा ताकि आपके जो लूप्स आपने बनाई हैं उसके ऊपर लगाई हैं वो आपकी सिलाई के अंदर ना आ जाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले लगा लेंगी तो आपको ये टेंशन नहीं होगी। और इस तरह से ये मैंने नेकलाइन जो है वो तैयार कर ली है। अब चूंकि मैंने नेकलाइन जो है वो कटिंग कर रखी थी गले पे, अब मैं पहले स्ट्रेट उसको राउंड में सिलाई लगाऊंगी और एंड पे मैं उसकी जो ट्रायंगल मैंने बनाया है वो मैं लगाऊंगी। लेकिन उसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि आपकी कोई लूप जो है वो उसमें ना आ जाए और वो कटिंग ना हो जाए। अब इस तरह से मैंने इसको सीधा किया है और सीधा करके इसके जो नोके हैं आप उसको सुई की मदद से आप उसको बाई की तरफ निकाल लें। ये ऊपर की सिलाई जो मैं लगा रही हूँ ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा लें, आप चाहें तो ना लगाएं। इसको आप प्रेस करके अच्छी तरह से इसकी क्रीज जो है वो बिठा लें। अब मैं इसके जो मोती हैं वो लगा रही हूँ। मैंने लगाना शुरू किया है, जो मैंने गिरा है वो मैंने गले को खोल के अंदर की तरफ कर दिया ताकि वो नज़र ना आए। अब आपने मोती को इस तरह से सुई में डालते जाना है और लूप के अंदर से गुजारते जाना है सुई को, क्योंकि लूप जो है वो बंद होंगी उसमें से मोती नहीं निकलेगा। और एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि ये मोती आपके किस तरह से स्टे करेंगे, क्योंकि अगर आप इनको लूज़ लगाएंगी तो ये हो सकता है कि जब आप इसको पहने तो मोती नीचे की तरफ गिर जाए। ये मोती नीचे की तरफ नहीं गिरने चाहिए, जिस तरह से होंगे ये इनको इसी तरह से स्टे करना चाहिए ऊपर की तरफ, क्योंकि हमने इसके साथ कोई भी कहीं भी टांका कोई नहीं लगाया तो हमने इसको सिर्फ लूप्स में से गुजारा है। अब आपने इसको टाइट करके धागे को खींचना है और मोतियों को ऊपर की तरफ जो है इसको लेके आना है ताकि ये उधर से हिले नहीं। अब यहाँ पर आके बिल्कुल ऊपर की तरफ जो है लूप आपने बंद कर देनी है। जब आप ऊपर की तरफ लूप को बंद करेंगे तो इससे ये होगा कि मोती जो हैं वो ऊपर की तरफ ही रहेंगे और वो नीचे नहीं गिरेंगे। चाहे आप ये शर्ट पहन लें फिर भी ये मोती नीचे की तरफ नहीं आएंगे, ये ऊपर ही रहेंगे और ये बहुत खूबसूरत लगेंगे ऊपर की तरफ रहते हुए, क्योंकि अगर वो नीचे गिरेंगे तो फिर वो उसमें इतनी खूबसूरती आएगी नहीं। अब मैंने इसको ऊपर की तरफ से लूप को बंद करके अब अंदर मैंने इसमें इसको धागे को पक्का कर दिया। अब मैं दूसरी की तरफ जो लूप है उसको भी मैं इसी तरह से ऊपर की तरफ से बंद कर दूंगी ताकि उधर से भी मोती जो हैं वो नीचे की तरफ ना गिरें। ये एक ट्रिक था जो मैंने आपको बताया और बहुत आपके काम आएगा। अब इस तरह से मैंने इसको ग्लू लगा के इसका अंदर से भी मैंने इसको लॉक कर दिया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी तरह से ग्लू लगाएं, अगर आपके यहाँ पास है तो लगा लीजिए। इस तरह ये है कि बस थोड़ा सा वो टांका पक्का हो जाता है और वो निकलेगा नहीं। अब इस तरह से भी मैंने इसको ऊपर की तरफ से बंद करके मैंने पक्का कर दिया, ये देखें यहाँ से, ताकि धागा नीचे की तरफ ना आए और मोती भी नीचे की तरफ ना आए। सो, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है और कॉमेंट करके बताइएगा आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अब ये मैंने इसको इधर से पक्का कर दिया है और ये हमारा जो नेकलाइन है वो रेडी है। इसके अंदर से मैं इसको तरपाई करूँगी एंड नाउ डन। ये है जी हमारी आज की नेकलाइन की फ़ाइनल लुक और आप देख रहे हैं कि इसके मोती किस तरह से ऊपर की तरफ है। हालांकि मैंने कहीं भी कोई भी टांका नहीं लगाया, कहीं भी इनको मैंने फ़िक्स नहीं किया, जस्ट मैंने एक धागा खींच के उसको टाइट किया है और उसको मैंने दोनों साइडों से मैंने उसको लॉक कर दिया है।
सो आप इसको जिस तरह भी पहनेंगी ये कभी भी मोती इसके नीचे की तरफ नहीं आएंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।